Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia Mughni. You're watching me on Fusha Magazine. और आज हमारे साथ कौन है इस स्पेशल ड्रामा कप में? ओके जी, सो Z5 पे जो पाकिस्तान की 5 वेब सीरीज आ रही है उनमें से सेकेंड एक झूठी लव स्टोरी बहुत जल्द आने वाली है. ज़बरदस्त कास्ट है, ज़बरदस्त टीम है एंड इट्स डायरेक्टेड बाई द वन एंड ओनली मेहरीन जब्बार. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आज मेरे साथ मेहरीन हर सेल्फ इज़ हेयर एंड हम उनसे कुछ गपशप लगाएंगे कि ये झूठी लव स्टोरी में कुछ सच्चाई है, ये हुई कैसे, क्या क्या झूठ है, क्या क्या सच है. अस्सलाम वालेकुम मेहरीन. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. थैंक यू सो मच कि आप टाइम दिया एंड सुपर एक्साइटेड टू बी टॉकिंग टू यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट. सेम हियर, थैंक यू सो मच. पहले मुझे ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट आपके पास आया कैसे? मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है कि मैं पूरी बैक स्टोरी में जाऊँ. ये स्क्रिप्ट आपका इनिशिएटिव था? यू वर कॉन्टेक्टेड बाई Z5, उमेर अहमद ने आपसे बात की, हुआ क्या? हुआ ये कि Z5 में शैलजा जो हैं और मोशन कंटेंट ग्रुप में मिसबा, उन दोनों ने मुझे कहा कि ये एक स्क्रिप्ट है जो मेरा ने आदि लिखी हुई आई थिंक. अच्छा. एंड दे सेड प्लीज़ इसको पढ़ो. फर्स्टली तुमने मैंने और मेरा ने कुछ 10 साल हो गए थे काम नहीं किया था. लास्ट प्रोजेक्ट हमारा आई थिंक दाम था या मलाल था. दूसरा उन्होंने कहा सिर्फ ये ना तुम दोनों का कॉम्बिनेशन इस प्रोजेक्ट के लिए आइडियल होगा बिकॉज दोनों ने इस तरह का जॉनर किया नहीं अभी तक विच इज़ सोशल कॉमेडी. सो मैंने पढ़ लिया और शुरू में मैंने कहा अच्छा शादी रिश्ते आई डोंट नो बट मैं पढ़ती गई फिर एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज़ अमेजिंग. ये उमेरा के स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत मज़ेदार है. मतलब वो स्टाइल भी अच्छा है लेकिन ये बिल्कुल एक नए उसमें है. सो देन मैंने हाँ कर दी और फिर शादी हो गई. ये कितने ऐसे पहले की बात है? ये है दिसंबर, अराउंड दिसंबर नवंबर 2018. ओके, ऑलमोस्ट 2 इयर्स. ऑलमोस्ट, जी जी, बिकॉज इसकी शूट हुई थी लास्ट ईयर. ओके, अभी हमें गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी भी मिल गई है तो अब गपशप लगाने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे. आई डोंट नो अबाउट मेहरीन, सो आपकी चाय कैसी है? बहुत बहुत अच्छी है, दूसरा कप है आधे घंटे में. डू यू मिस दिस चाय? यू नो इट्स फनी थिंग, मैं अमेरिका में मैं ज़्यादा कॉफ़ी की तरफ चली गई हूँ. यहाँ पे मैं ज्यादा चाय पीती हूँ. यू डोंट मिस द कॉफी वहाँ जो होती है? वहाँ की कॉफी मैं साथ ले आई थी. बट यू लाइक शुगरलेस चाय, इलायची वाली चाय, कौन सी वाली? वो रेगुलर आपको दूध पत्ती चाहिए? नहीं, शुगरलेस, इवन कॉफी शुगरलेस. सो पाकिस्तान की सबसे पहले क्या चीज खाना पीना होता है? चाट. और कौन सा फेवरेट जगह? गज़ीबो एंड चटखारे. व्हाट डू यू मिस मोस्ट अबाउट नॉट बीइंग इन पाकिस्तान? Well, you know, the people, the friends, the family, and definitely chaat. Next time हम मैं इनको चाट पे ट्रीट करेंगे, अब हमें पता चल गया. न्यूयॉर्क में नहीं है अभी इतनी अच्छी चाट अवेलेबल. Of course. और वैसे भी वो पाकिस्तान के जो जर्म्स हैं और पाकिस्तान का जो खूबसूरत एनवायरमेंट है वो आई डोंट थिंक कहीं भी, वो जो उसका अपना फ्लेवर ऐड होता है ना वो कहीं कॉपी हो सकता है. बट मुझे ये बताएं कभी कभी कोई ऐसा मौका आता है जब बाहर रह रही होती है, जब आपका दिल चाहता है या मैं उड़ के पाकिस्तान पहुंच जाऊं, या कभी कोई फिल्म ड्रामा कोई देख रही होती है और आप कहती हैं यार अगर मैं पाकिस्तान होती तो इस वक्त मैं भी इस प्रीमियर पे होती, मैं भी इस प्रोडक्शन हाउस में कुछ कर रही होती, कभी ऐसा ख्याल आता है? नहीं, मैं बहुत शुक्र करती हूँ कि मैं यहाँ नहीं हूँ जब प्रीमियर्स और रेड कार्पेट शोज़ की मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है इवेंट्स में जाने से. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे कोई इन्विटेशन नहीं मिलता और कहीं जाना नहीं पड़ता. ओके ओके, सो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो स्क्रिप्ट जब आप पढ़ रही थी, एक चीज़, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं कोई ना कोई एक चीज़ कहानी भी पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में रह जाती है, क्या एक चीज़ थी जो आपके दिमाग में सारे स्क्रिप्ट में से रह गई, विच वॉज नॉट जस्ट उमेर अहमद का नाम एंड ओवरऑल स्टोरी लाइन, क्या एक चीज़ थी जिसने आपको पुश किया टूवर्ड्स सेइंग यस टू दिस प्रोजेक्ट? एक चीज़ तो थी कि ये घर घर की कहानी है तो एक टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ फेमिलियरिटी जो है ना वो आपको हर तबके में नज़र आएगी कि ये बंदा जो यू नो लेट्स से नाज़माबाद और गुलशन में रह रहा है या वो बोर्ड बेसन में रह रहा है. आई थिंक इट द स्टोरी सो यूनिवर्सल, मुझे लगा एक मैस अपील है. नंबर टू, इसमें एक एक कैरेक्टर से जस्टिस किया गया है, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो सिर्फ उसको ना ठूसा गया है एज अ सपोर्टिंग रोल. सो एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कैरेक्टर्स अगर हों उनको करने का मौका देना चाहिए इन अ स्टोरी. सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऑनसॉम्बल, एक ग्रुप जब बनेगा ना एक्टर्स का बुके तो मज़ेदार होगा. जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, जो भी कैरेक्टर आप पढ़ी थी, कोई दिमाग में एक्टर्स आना शुरू हो गए थे उस वक्त? क्योंकि आपने इतने लोगों के साथ काम किया है माशाल्लाह से एंड यू ऑफ कोर्स आर इन टच विद द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो अभी भी है, कुछ होना शुरू हो गया था कि यार इसमें मैं इसको देख रही हूँ, इसमें इसको देख रही हूँ?
थोड़े बहुत हो गए थे काफ़ी, आई मीन वी हैव अ कास्ट ऑफ 8 से 10 लोग एटलीस्ट, तो कुछ तो फ़ौरन आ गए थे, कुछ टाइम लगा बिकॉज ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है एंड स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था तो और समझ आ रहा था कि कौन इसके लिए बेस्ट होगा. वाज बियो जफर वन ऑफ देम? बियो खाला वाज एक्चुअली, बियो खाला का सजेशन शैलजा ही नहीं दिया था इनिशियली. आई वाज जस्ट रीडिंग एंड आई सेड एक्चुअली वेरी वेरी गुड आइडिया, तो ये अच्छी होंगी इसके लिए बिकॉज मैंने उनके साथ काम भी नहीं किया था कभी. सो कास्टिंग कैसे हुई? व्हाट वाज द प्रोसेस? जी ने आपको बताया कि ये लिस्ट है इसमें से लें, आपने खुद चूज किया, ऑडिशंस हुए थे क्या? हाउ डिड यू रीच? सो कास्टिंग बहुत ही एक रिफ्रेशिंग प्रोसेस था क्योंकि नाइदर Z5 या मोशन कंटेंट ग्रुप जो दो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने मुझे कोई भी प्रेशर दिया कि हमें ये बंदा चाहिए या इसके इतने फॉलोअर्स हैं या इसका ये पॉपुलैरिटी है, बिल्कुल भी क्राइटेरिया ये नहीं था. क्राइटेरिया ये था कि ये कैरेक्टर जो है कौन सा एक्टर फिट कर सकता है एट द मोस्ट, चाहे वो थिएटर से आए, चाहे वो अननोन फेस हो, चाहे वो नॉन फेस हो, तो वो कोई हमारे पे डिमांड्स नहीं थी. इस वजह से पूरा जो प्रोसेस था मज़ेदार था एंड मैंने हर जगह फिर देखना भी शुरू किया. हम उसी अदरवाइज वही उसी वो होते हैं ना 6-7 कैटेगरीज के फिर लोगों में देखते हैं, बट इसमें खुला एक प्लेटफॉर्म था. तो व्हाट मेड यू थिंक बिलाल अब्बास एंड मदिया इमाम आर बेस्ट फॉर दीज कैरेक्टर्स? बिकॉज वेल फर्स्टली आई थिंक एज एक्टर्स आई थॉट कि ये लोग बहुत मज़ेदार अपना एक स्वीटनेस एक सिंप्लिसिटी लाएंगे इस रोल में. एंड दूसरा कंपेयर्ड टू अदर यंग एक्टर्स ऑफ द एज ग्रुप, ये लोग हैं उस कैटेगरी से जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एंड डेडिकेटेड हैं अपने क्राफ्ट से, तो उनके आई न्यू के होपफुली कि नखरे नहीं होंगे सेट पे और जो अदर चीज़ें होती हैं ना जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं जो काम से, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे यंग एक्टर्स में आ गया है कि जो डिमांड्स बहुत हैं लेकिन फिर जो काम पे फोकस है वो कम है, वो इन लोगों ने नहीं दिया. वो उन्होंने हमारी 3 दिन एक्टर वर्कशॉप्स हुई, थिएटर एक्सरसाइजेज हुई, सब आए और बहुत मज़े से सब ने पार्टिसिपेट किया एंड इट बिकेम अ फैमिली. सो कास्टिंग वाज ऑल योर चॉइस? आपने? इट वाज मी लेकिन इन कोलैबोरेशन विद द प्रोड्यूसर्स. ओके, सो बिलाल अब्बास वाज द फर्स्ट चॉइस जो आप पढ़ रही थी तभी आ गया था दिमाग में आपके जो आप कह रही थी? I really wanted to work with Bilal because कभी किया नहीं था. मैंने उसका कुछ काम देखा हुआ था. I thought he's really, really fantastic. उसमें कुछ है बात. I would love to work. And I think उसने इस तरह का रोल किया नहीं था. He was coming out of, I think, चीख किया था. तो एक इंटेंस रोल के बाद ये उसके लिए भी आई थिंक चैलेंजिंग होता. मदिया के साथ तो आपने पहले काम किया हुआ है. बिलाल अब्बास का जो रोल है जो हम ट्रेलर देख रहे थे, आपने उनका भी प्यार के सदके देखा है? अब्दुल्ला? नहीं, देखूंगी. ओके, माय क्वेश्चन वाज इट अ चैलेंज थोड़ा सा आपके दिमाग में था कि आप उससे थोड़ा सा उनको उनके रोल को डिफरेंट रखें बिकॉज उसमें भी वो थोड़े सिंपल से ग्लासेस के साथ और वो ही काइंड ऑफ लुक या फील थोड़ी सी कहीं ना कहीं हो रही होती है. प्यार के सदके ऑब्वियसली वाज शॉट आफ्टर एक झूठी, बिकॉज एक झूठी वाज शॉट इन जनवरी फरवरी 2019, तो उस वक्त तो मैंने वो शुरू ही नहीं हुआ कुछ था, कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा. तो वो तो हमने यू नो अगेन कैरेक्टर क्रिएट करने में बहुत हाथ होता है काफ़ी लोगों का, एक्टर्स का होता है, मेरा इनपुट होता है, जो लिखा हुआ होता है स्क्रिप्ट में उसका होता है, विद हेल्प विद यू नो प्रोड्यूसर्स आल्सो. सो वो और उस तरह का सिंपल वो कैरेक्टर नहीं है, बहुत मज़ेदार किस्म का हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास बॉय का कैरेक्टर है. तो मुझे ये बताएं कि ये जो कहानी है जैसे आपने बोला मासेस की कहानी है, ये एक सोशल मैसेज दे रहे हैं उमेरा अहमद एंड मेरीन जब्बार, या बिकॉज जो मैंने ट्रेलर देखा है उसमें पता चल रहा है कि आजकल की जो जनरेशन है जो बहुत कॉन्शियस है कि वो सोशल मीडिया पे कैसे लगें, इट्स ऑल अबाउट दैट, इट्स द प्रेशर, एंड आप लोग उसकी बात करें कि कहानी कहीं से इंस्पायर होकर उठाई गई है जब उमेरा ने आपसे बात की, आपको लगा, या ये एक वर्ल्ड है जो आप लोगों ने क्रिएट की है और उसमें आपने रियलिटी से कुछ चीज़ें उठा ली हैं? आई थिंक उमेरा ने रियलिटी से यू नो अब हमारे सामने है सब कुछ, सोशल मीडिया किस तरह लोगों की ज़िंदगी में पेनिट्रेट कर गया है. आई डोंट थिंक कोई फिल्म या किसी चीज़ से इंस्पायर हुए हैं बिकॉज ये हो रहा है, एवरीडे की कहानी है. एंड ऑल्सो एज आई सेड ये सिर्फ सोशल मीडिया की कहानी नहीं है, ये है रिश्ता कल्चर के बारे में, ये है एक्सपेक्टेशंस जो हम रखते हैं कि किस तरह का पार्टनर चूज़ करना है हमें अपनी बेटी या बेटे के लिए, जो प्रेशर्स होते हैं औरतों पे और आदमियों पे कि वो किस तरह प्रेजेंट होंगे शोपीस की तरह जैसे है डायलॉग उसमें भी, फिर वो रिजेक्ट होंगे एक्सेप्ट होंगे, क्या हमारे वैल्यू सिस्टम्स चेंज हो गए कि हमें किस तरह के चाहिए, सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं होता लेकिन वो जो कैटेगरीज आती हैं कि ग्रीन कार्ड भी होगा या तो डॉक्टर भी होगा, उससे क्या क्या मसले मसाइल होते हैं. सो बहुत कुछ है. सोशल कॉमेडी का मतलब ये है कि आप
इश्यूज बहुत मज़ेदार है, लेकिन सर पे हथौड़ा नहीं पड़ रहा उन इश्यूज की, वो आपको इतने मज़ेदार तरीके से उमैरा ने उन कैरेक्टर्स में बताएं कि आपको होपफुली इट्स नॉट सच अ सुपरफिशियल कॉमेडी। बट यू फील रिश्ता अभी तक हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है? अब तो लव मैरिज इज अ वेरी कॉमन थिंग, डेटिंग एप्स बहुत आ गई हैं, और डिड यू फील कि रिलेट कर पाएगा 100%? कौन सी डेटिंग एप्स, मतलब आप परसेंटेज देख लेना, हमारी पॉपुलेशन इज मिलियंस ऑफ पीपल। छोटे शहरों में, इवन बड़े शहरों में, हर जगह तो नहीं कि एप्स देके लोग डेट्स पे जा रहे हैं। सो ये कल्चर पूरे सबकॉन्टिनेंट में, अभी सबसे बड़ा हिट जो शो नेटफ्लिक्स पे था, इंडियन मैच मेकर, अब वो भी एक आपका डायस्पोरा का था, लेकिन वहाँ भी रिश्तों का ऑब्सेशन था। सो अनफॉर्चुनेटली ये तो रिश्ता कनेक्शन और ये हमारा है एक कल्चर। इस रिश्ता आंटी को आप साइड पे कर रही हैं या आप उन्हें थोड़ा सा इनकरेज कर रही हैं? क्या मैसेज मिलेगा हमें? एज आई सेड, आई एम नॉट, ये कमेंट्री नहीं है अरेंज और लव मैरिज पे, इट्स नॉट दैट, इट इज़ द एक्सपेक्टेशन जो हम करते हैं पार्टनर्स ढूंढने में, चाहे वो लव हो या अरेंज हो। व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ शूटिंग दिस चैलेंजिंग पार्ट? आई वुड से कि यू नो, टाइम पे ख़त्म करो। आई हेट प्रोजेक्ट्स जो लंबा ड्रैग आउट हो जाते हैं, एंड स्पेशली अगर कोई ऐसा हमारा 64-65 डे का शूट था, जो इतना ज़्यादा नहीं है, बट वो एक डर होता है ना कि ओवर ना चला जाए, एंड काफ़ी एक्टर्स थे, लोकेशंस थी, बट इस तरह का कोई बहुत ही, मतलब थैंकफुली मुझे ना किसी ने कुछ तंग किया, बहुत आराम से हो गया सब कुछ। और सबसे मज़ा क्या आया आपको इसको शूट करने में? मज़ा आया कॉमराडरी एंड फ्रेंडशिप अमंगस्ट द कास्ट ऑन सेट, आई थिंक, एंड द क्रू। ऐसे जेल हो गए थे सारे कि लग नहीं रहा था कि आप काम पे जा रहे हो। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन सेट। ओके, Z5 पे ये आ रहा है, दिस इज़ द सेकेंड वेब सीरीज। पहली बार जो बहुत लोग कर रहे हैं वो ये, जो क्रिएटर्स इन्वॉल्व हैं आपकी तरह, कि हमें क्रिएटिव लाइसेंस बहुत मिला है इस पे करने का। सो मैं सिर्फ समझना चाह रही हूँ कि किस किस्म का क्रिएटिव लाइसेंस आपके पास इस बार था, जो कि अगर आप लोकल प्रोडक्शन या लोकल चैनल के लिए कर रही होती तो आपको ये चीज़ नहीं आप कर सकती। चुड़ैल वी अंडरस्टैंड, एक डिफरेंट जॉनरा, उसमें हमें समझ आई। इसमें हम जानना चाह रहे हैं कि क्या था जो अगर आप किसी लोकल चैनल के लिए करती तो नहीं कर पाती। अनफॉर्चुनेटली बहुत सी ऐसी चीज़ें, कहाँ शुरू करूँ, कहीं से भी शुरू करते हैं, तीन चार बता दें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस आल्सो, क्योंकि बड़ा आसान है लोगों के लिए आपको बोलना कि क्यों किया, बिकॉज ये बहुत क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं यार ये हमारे चैनल पे क्यों नहीं आ रहा, तो इसका जवाब मिलना चाहिए उन सब लोगों को। सबसे पहले जो फोकस था जो क्रिएट कर रहे थे ये प्रोजेक्ट, वो था कि अगर एक झूठी लव स्टोरी 18 एपिसोड है तो वो 18 एपिसोड ही रहेगी, वो 30-40-50 हज़ार नहीं बन जाएगी। सबसे पहले अगर एक एपिसोड 30 मिनट का है, 25 मिनट का है, इट्स ओके, उसको 40 मिनट की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो उससे ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ जाता है स्टोरी पे, क्योंकि एक कहानी अगर 18 में ख़त्म हो रही है उसको ख़त्म कर दो, या अगर 12 में हो रही है। यहाँ चैनल्स का प्रॉब्लम ये है कि वो पैसों, यू नो, ऑब्वियसली उनको रिकवर करना होता है, तो वो 25 या 26 से कम नहीं करते। सबसे पहली ये बात। सेकेंडली कास्टिंग, नो प्रेशर कि रेटिंग्स कौन पर्टिकुलर एक्टर दे रहा है, हालांकि वो सेट पे खून थकवा रहा है लेकिन उसको लेना ज़रूरी है, वो सब नहीं था। ज़ीरो प्रेशर कि आप कहीं भी किसी को भी कास्ट करो, एज लॉन्ग एज वो सूटेबल हो फॉर द रोल। नंबर थ्री, टेक्निकल, द फोकस ऑन टेक्निकल एक्सलेंस, के साउंड डिज़ाइन हो गया, म्यूज़िक हो गई, जिस तरह के कैमरा यूज़ होने, वो एक इंटरनेशनल लेवल, ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के अपने क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं, तो इट्स नॉट कि जो हो गया चल गया, ये भी नहीं कि अच्छा शूट कर रहे हो लेकिन परसों ऑन एयर जाना है तो जल्दी यू नो भागो भागो भागो, तो इसमें हमें पूरा एक साल लगा है प्लस टू शूट, एडिट, मेक इट फाइनल। सो इस ये कुछ थे। यू थिंक इसकी वजह से कुछ चेंज आएगा पाकिस्तान फिल्म, पाकिस्तान लोकल इंडस्ट्री में? देखिए डिपेंड करता है, आई होप सो, आई होप कि ये आ रहा है, उसके बाद तीन और आ रहे हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, और ये सारे हमारे जो नोटेड एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स इस पर काम कर रहे हैं। सो आई होप टीवी इंडस्ट्री को ज़रा होश आ जाए कि एक तरह का प्रोडक्ट ना करें हर वक्त, क्योंकि मुझे तो फ्रेंकली टू बी ऑनेस्ट इट्स सैड कि मैं अब सीरियल से डरती हूँ कि मुझे नहीं करना सीरियल, बिकॉज जो मेरे पास स्क्रिप्ट आएंगे मैं पढ़ते ही आई थिंक तीसरी लाइन पर रोना शुरू हो जाऊँगी। सो आई कॉन्ट बेयर टू, मैं आई थिंक इतने साल कर लिया, I want to do something which is, you know, which I believe in now. And I hope TV gets back to it because mera beginning hi TV se thi. I know, and we miss you there.
वेल वी मिस यू इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो. मेरे पास वो भी सवाल है कि लास्ट हमने दोबारा फिर से देखी थी और पिछले 3 सालों में तो इंडस्ट्री बड़ी बूम कर रही है जी जी और हमने मेरी जबार नहीं देखा उनका क्यों यही वजह थी. ऑफर ही नहीं कर रहा फिल्म क्या करूँ ऑनेस्टली. दोबारा फिर से के बाद उन्होंने कहा दोबारा नहीं हो रहा बाय बाय. नो नो मेरे पास हैं फिल्म आइडियाज. अब कोविड के बाद तो पता नहीं क्या होना है बट मैं भी यू नो एट दिस एज आई वांट टू डू ऑब्वियसली वो फिल्म जो मैं करना चाहूँगी. एंड ये इसका ये नहीं मतलब मैं सिर्फ सीरियस फिल्म या आर्टी फिल्म करनी है. एज लॉन्ग एज द स्टोरी इज चैलेंजिंग फन तो अगर कोई प्रोड्यूसर्स हैं कोविड के बाद मेरे पास आ सकते हैं. डू यू थिंक चुड़ैल ने आपके लिए थोड़ा सा रास्ता खोला या आसान किया है इन द सेंस के ज़्यादा लोग अब देख रहे होंगे Z5 को. शुरू के जो भी हिकअप्स थे या जो भी लोगों को वो थी कि Z5 पे इंडियन चैनल पे क्यों आ रहा है एक झूठी लव स्टोरी को, उससे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है बिकॉज बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं इसको पहले आना चाहिए था और चुड़ैल जैसे सीरियस और एक वेरी डिफरेंट जॉनरा को शायद पहले नहीं आना चाहिए था. व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? आई मीन आई डोंट थिंक सो. आई थिंक दे हैव अ स्ट्रैटेजी कि चुड़ैल्स एंड आसिम इज़ अ गुड फ्रेंड. मैं उसको बहुत एडमायर करती हूँ एज अ डायरेक्टर एंड अ राइटर. एंड मैंने चुड़ैल्स देखनी अभी देखी नहीं क्योंकि अमेरिका में है नहीं Z5 अभी. सो अब मैं कोई जुगाड़ करनी पड़ेगी देखने की. बट आई थिंक चुड़ैल्स लुक्स लाइक अ फैंटेस्टिक प्रोजेक्ट. एंड आई थिंक देखें एट द एंड ऑफ द डे हमारा कॉन्टेंट इज़ लोकल. दीज आर लोकल स्टोरी टेलर्स. उमेरा मैं हमारे एक्टर्स यहाँ लोकल टेक्नीशियंस हैं सारे जो काम कर रहे हैं. And at the end of the day, OTT digital platforms are and have to be universal. हम भी Netflix पे Turkish, Korean, Iranian shows देखते हैं. सो हम महदूद अगर इस तरह सोचेंगे ना एक उस एक tunnel vision के साथ तो हमारा development नहीं होगी आगे. Z5 पे जितने अभी ये चुड़ैल पे ये conversation बहुत हुई थी तो मैं आपसे भी ये पूछना चाह रही हूँ ये जो content आप लोग बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं? Is it for the Pakistani audience? क्योंकि अगर कोई चीज़ होती है ना जो पाकिस्तान की ऑडियंस की थोड़ी सी उनको पुश करती है उनके स्टैंडर्ड्स को या उनके नॉर्म्स को या उनके कल्चर उनके वैल्यूज़ को तो वो लोग कहते हैं ये तो पाकिस्तान के लिए तो बना ही नहीं था. सो इज एक झूठी लव स्टोरी फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस या और वैसे भी Z5 पे जितने लोग ये 5 लोग जो इन्वॉल्व हैं मेन वो किन के लिए बना रहे हैं कॉन्टेंट? देखिए जब आप आई थिंक ये कॉन्टेंट एक यूनिवर्सल कॉन्टेंट है बट प्राइमरली फॉर द सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान जो यहाँ लोग रहते हैं और जो बाहर डायस्पोरा है हमारा. बिकॉज वो कहानियाँ एज आई कीप सेइंग देखे एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बहुत सिमिलर हैं. हमारे भी वही कंसर्न्स हैं कि हमने रोटी कमानी है हमने बच्चों को सेटल करना है अपना हेल्थ अच्छा रखना है. सो एट द एंड ऑफ द डे इंसान सिमिलर ज़्यादा होता है डिफरेंट कम. तो आई थिंक ये आराम से यहाँ टीवी पे भी चल सकता है एक झूठी लव स्टोरी एंड आई थिंक इंडियंस को भी अपील करेगा बिकॉज वही जो मसले जो इसमें बता रहे हैं वहाँ भी हैं. तो Z5 से आपको क्या सपोर्ट मिली मतलब इसका अदर देन कि ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है एंड एज यू सेड क्रिएटिव लाइसेंस आपको इन सर्टेन जगहों पे मिला उसके अलावा Z5 से क्या सपोर्ट मिल रही है ये क्या फ़ायदा हुआ है आप या हम ओवरऑल क्या फ़ायदा हुआ है? आई थिंक फ़ायदा ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा टिपिकल मैं कहूँगी यहाँ है बहुत टैलेंट और चाहिए हमें एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी एक्सपोजर की ज़रूरत है और होनी चाहिए. हमारे जो आर्टिस्ट हैं टेक्नीशियन स्टोरी टेलर्स सिर्फ पाकिस्तान इज़ फाइन ऑल्सो लेकिन आप डिजिटल मीडिया आपको पूरा एक इंडियन ऑडियंस आपके टैलेंट से अवेयर होगी. आप अपनी कहानियाँ वहाँ बिकॉज हम इंडियन फिल्म तो बहुत देखते हैं बट वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम है टू सी स्टफ़ फ्रॉम पाकिस्तान. सो दिस इज़ वेरी गुड आई फील इट्स अ ह्यूज ऑडियंस इन इंडिया कि वो भी देखें यहाँ क्या क्या अच्छा काम हो रहा है. सो दैट्स व्हाई आई फील Z5 इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी. आपको अफसोस हो रहा है कि एक परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू सी दिस बिकॉज ये एक चैनल पे नहीं आ रहा है और यूट्यूब पे भी नहीं आएगा. अफसोस है. आई एम सैड बट यार सिर्फ 1500 का है इन अ ईयर. 75 है फॉर 3 days और 7 days. हाँ हाँ तो बस वो अगर करके देख सकता है कोई भी आप फोन पे देख लो अपने टीवी पे देख लो एंड वो करने से हमारा ही कंटेंट और हमारे लोग सपोर्ट हो रहे हैं बिकॉज हमने काम किया है हमें भी यू नो. सो यू फील द इन्वेस्टमेंट बिकॉज ये भी एक डिबेट चल रही है कि इन्वेस्टमेंट किधर जा रही है. यू फील पाकिस्तान में इंजेक्ट हुई है इन्वेस्टमेंट या बिल्कुल इंडियाज बिल्कुल प्रोड्यूसर्स भी तो है ना उनके पास तो जा रहा है. आई थिंक इट्स बोथ वेज बिकॉज अगेन पीपल हियर वर पेड राइट यू गॉट वर्क एम्प्लॉयमेंट मिली है तो आई थिंक इट्स अ विन विन दोनों लोगों के लिए. कुछ बॉलीवुड का आपने इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ उसमें एंगल डाला है या कुछ टच डाला है? आई कुड हियर अनुष्का शर्मा नेम इन द सॉन्ग रेफरेंसेस. उसके अलावा कुछ आपने ऐसा किया टू
और यू वांटेड टू कीप इट अ टोटल पाकिस्तानी एक्सपीरियंस फॉर हाँ नहीं ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था. अनुष्का शर्मा का भी ब्योखाला का एक वो इम्प्रोवाइज डायलॉग आ गया उसी वक्त. आई डोंट थिंक स्क्रिप्ट में था वो. सो ऐसा नहीं कोई नो कॉन्शियस एफर्ट. सो उनका कैरेक्टर है क्या, वो हमारा कॉन्शियस है जो बोल रही होंगी? बिकॉज आजकल ड्रामों में ये भी बोल रहा होता है ना कि एक कैरेक्टर होता है जो ऑडियंसेस के रिएक्शंस या ऑडियंसेस जो उस वक्त सोच रहे उनको वॉइस आउट कर रहा होता है या कॉन्शियस बन जाता है. इज शी इज़ द वॉइस ऑफ ऑल द स्टेरियोटाइप थिंकिंग जो है हमारी. शी इज़ अ फैंटेस्टिक कैरेक्टर बिकॉज वो चाह रही हैं कि एक पर्टिकुलर वे में उनके बच्चों की शादियाँ हों. लेकिन उनकी वो जो ड्रीम्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही एंड शी इज़ जस्ट वेरी फ्रस्ट्रेटेड. सो यू वॉच इट्स it'll be fun. वो तो कहते हुए मुझे हंसी आ रही है. I just loved her in the trailer. Madiha Imam and Bilal. What would you say about them? I know Madiha ke sath aapne pehle bhi kiya, Bilal ke baare mein bhi aapne bola. Something that inspired you or you admired about them, other than being very professional, koi ek cheez dono ki bata sakti hain that you were really happy about? I was very just, you know, I mean, what does a director want? Ke aapka jo saath actors hain, wo usi page pe hon aur wo samajh rahe hain hum kya kar rahe hain aur usi mehnat aur lagan se kaam kar rahe hain jo baaki team kar rahi hai. And that's it. I mean, it was really actually a very positive atmosphere and positive attitude jo dono se aaya. So Bilal, yeah. सवाल बहुत पूछते हैं, आपसे भी पूछ रहे थे? मुझसे इतने नहीं पूछे, कम पूछे. I think शुरू में हम समझ लिया था हमने दूसरे को. हाँ हाँ. एंड मदीहा का कैरेक्टर जो है, does it reflect the average Pakistani youth? It's a part of that. She is सबसे छोटी है फैमिली में और as usual जो सबसे छोटे होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन भी ये भी होते हैं कि घर का सारा काम किया जाए. उसको वो इग्नोर भी हो जाती है बाज़ दफ़ा. सो इट्स अ वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर फॉर ऑल द पीपल जो सबसे छोटे घर में हैं और जिनको टेक फॉर ग्रांटेड करती है ना फैमिली उस तरह की. बट आई फेल्ट दैट बोथ ऑफ देम, बोथ बिलाल और मदीहा का जो कैरेक्टर है, इनफैक्ट बाकी सब भी जो किरण भी जो कर रही हैं, मुझे लगा वो कैरेक्टर्स हमारे आसपास हैं. दे आर रिप्रेजेंटिंग जो एवरेज हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं. दे आर नॉट आउट ऑफ ऑर्डिनरी, दे आर इनफैक्ट वेरी ऑर्डिनरी पीपल. वाज इट दिस इज द या एब्सोल्युटली दे आर ऑर्डिनरी पीपल. एक यू नो एंड द सिस्टर्स दोनों एक स्कूल टीचर है, कॉलेज टीचर है एंड दीज आर एजुकेटेड मिडिल क्लास गर्ल्स जो काफ़ी पढ़ चुकी हैं, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है एंड उनके क्या चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो गेटिंग रिश्ता. तो मेरी जबा जब भी कुछ करती हैं तो मेरी जबा इज़ अ ब्रांड. इस बार क्या ऐसा कर रही हैं जो हमें लगेगा मेरी जबा है? आई डोंट नो इफ आई एम अ ब्रांड, आई डोंट थिंक सो, बट थैंक यू. नो इट इज लाइक यू नो कि अच्छा ओ एक बात ओ मेरी जबा इज डायरेक्टिंग इट. ओके नहीं थैंक यू. इस दफ़ा आई थिंक क्योंकि ये अगेन ये सब्जेक्ट मैटर मैंने नहीं किया पहले, कॉमेडी सोशल कॉमेडी नहीं की हुई इस तरह की. सो इट वॉज फन एंड आई होप के सही एक मिक्स बन गया है. So let's see. आपने वर्कशॉप्स भी कराई, what was, how was that? थोड़ा प्रोसेस हमें बताएं, उसका फायदा कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस आईं एक्टर्स की वजह से, or were they very happy? No, they were very happy. It was conducted by Ali Sheikh, who's also an actor in एक झूठी लव स्टोरी, जो प्रोफेसर का रोल कर रहे हैं. उनके पास एक है एक अपना ग्रुप जो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप. सो इट वॉज जस्ट हमने इकरा यूनिवर्सिटी में किया, कमरा बुक किया 3 दिन और बहुत मज़ा आया क्योंकि ऐसी ऐसी क्लासेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज. And the main point was के shoot से पहले सब एक दूसरे को जान गए थे, which is very important. तो आप पहली दफ़ा set पे नहीं मिल रहे हैं, so एक वो होता है ना comfort level हो गया था. Okay, let's do a little bit. थोड़ा हम काफ़ी serious बातें कर रहे थे, थोड़ा हल्का फुल्का बातें करें. एक segment है जो हम सारे directors, writers के साथ करते हैं, predictions. Predictions. Yeah. We'll tell you some scenarios. Okay. You have to fill the blanks with names or answer the questions or ठीक है. तो मैं अब स्टार्ट करूँगी. मदी एंड बिलाल कैरेक्टर वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर इफ डैश डिडंट कम बिटवीन देम. द कंप्यूटर. ओके. इफ ओनली यू हैड डैश एक्टर ऑन द कास्ट, द एक झूठी लव स्टोरी प्रोजेक्ट वुड हैव बीन बेटर. सो आई वुड से इन ऑल ऑनेस्टी इफ आई हैड नो अदर एक्टर with different actor, it would have been a bad decision. So I am saying in a horrible way that jo cast hue hain wo actually 100% perfect. It's a boring answer, I'm sorry. I was hoping ki maybe Mehreen will say something, but chale nahi. When Dash is late, you get really mad. If anyone is late. When Dash forgets his or her Dash lines,
Dash always prompts and comes to the rescue. It's an actor, right? Yeah. कोई अगर डैश एक्टर अपनी लाइंस भूल जाता है तो डैश एक्टर आके उनको प्रॉम्प्ट करते हैं सेट पे और यूजुअली हेल्प करते हैं दूसरे एक्टर्स की या इन एक्टर की. I would say probably अहमद साहब एंड ब्योखाला का एक बहुत मज़े की केमिस्ट्री है क्योंकि केक में भी कर चुके थे. सो आइदर और अगर भूल रहे थे तो द अदर वन वाज ऑलवेज देयर. ऑलवेज देयर. ठीक है. व्हेन इट रेन्स एंड वी कांट शूट डैश वुड लव टू हैव पकौड़ास. आई थिंक द एंटायर कास्ट व्हाइल वी वेट फॉर द रेन टू स्टॉप. डैश इज सो कॉन्शियस अबाउट हिज और हर वेट और हेल्थ दे वुड नेवर ईट पकौड़ास. कौन है कास्ट में सो कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड देयर वेट? यार हमारे कास्ट में माशाल्लाह बहुत ही मज़े की एपेटाइट थी, सबने खुल के खाया है. ऐसा कोई इशू नहीं था अबाउट वेट कॉन्शियसनेस. कौन चाय के बगैर नहीं रह सकता था सेट पे? मैं. ओके ओके. ये जो अभी पेमरा ने बैन लगाए हुए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बैनिंग कल्चर एंड व्हाट डू यू थिंक वी नीड टू डू टू स्टॉप दिस? हम क्या कर सकते हैं? इनका बैन भी मुझे समझ नहीं आता बिकॉज चल तो रही है सब. आई डोंट बिलीव इन बैनिंग कल्चर बिकॉज आप फिर खुली छुट्टी दे सकते हो कि किसी को कुछ नहीं पसंद आया बैन कर दिया. बट ऑब्वियसली आई थिंक टीवी शुड हैव डिफरेंट कंटेंट, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए. एंड इस ये जो फैमिली और अजीब अजीब रिश्तों के ड्रामे बन रहे हैं उनसे अलग भी सोचें, वो भी बनाएं बट एक और भी चीज़ें करें. सो या आई एम नेवर अ फैन ऑफ बैनिंग बिकॉज उससे कुछ नहीं अचीव होता. हम नेटफ्लिक्स पे कब जाएंगे? हम नेटफ्लिक्स पे जब जाएंगे जब हम कहानियाँ मज़े की लिखेंगे, ट्रीटमेंट बनाएंगे और नेटफ्लिक्स को अप्रोच करेंगे. इट्स ऑल मैटर ऑफ हार्ड वर्क. आप अप्रोच करो, आपको मिलेगा. व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू विल नेवर फाइंड इन एन मैरिज जबार प्रोटेक्शन? अ थप्पड़, अ सास बहु साजिश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबमिसिव वाइव्स, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव और समथिंग एल्स? You might find all of them, but it depends ke phir us character ke saath hum kar kya rahe hain. I will never encourage violence against women. Never encourage submissive wife unless koi point ho uska. Never encourage again kisi bhi hateful ya buri cheez kisi religion ke bare mein ya kisi insaan ke bare mein agar context na ho. So auditions kyun nahi hote hamare yahan? So isme hue the auditions, hone chahiye. बिलाल को ऑडिशंस के थ्रू आपने किया था सेलेक्ट? बिलाल को तो नहीं किया बट काफ़ी लोगों को आई थिंक ऑडिशंस हमने बहुत सारे किए. आई थिंक होने चाहिए फॉर श्योर यहाँ बिकॉज हमारे यहाँ कास्टिंग एजेंसीज नहीं है. वो प्रोसेस हमारा बहुत अंडर डेवलप्ड है अभी. और कास्टिंग डायरेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. यहाँ कोई कैटेगरी नहीं है. सो यू फील कि ऑडिशंस के ना होने की वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री को कि कहीं डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रही जहाँ जैसे हॉलीवुड की या और दूसरी इंडस्ट्रीज़ की हो रही हो? हम कहीं मार खा रहे हैं इस पर? आई थिंक वन थिंग इज़ टू मेक इट काइंड ऑफ इसको एक प्रोफेशनल लेवल पे रखें एज एन एंड उसको एज एन इंडस्ट्री ट्रीट करें प्रॉपरली. मीनिंग देर शुड बी कास्टिंग डायरेक्टर्स, देर शुड बी एजेंसीज जो आपको रिकमेंड करें लोग. यहाँ सॉर्ट ऑफ अल्लाह तवक्कल काम कभी कभी हो जाता है. ऑब्वियसली टीवी कमर्शियल्स और फिल्म ज़्यादा रिफाइंड हैं, उसमें ज़्यादा वो होता है. बट हमारे ड्रामों में थोड़ा फैला हुआ है. सो आई थिंक काफ़ी इंडस्ट्री को डेवलप करने की ज़रूरत है. नॉट जस्ट यूनियंस बट उसको एक स्टैंडर्डाइज उसको करने के लिए जहाँ सबके राइट्स प्रोटेक्टेड हों, एक्टर्स के भी, प्रोड्यूसर के भी, क्रू के भी, कि आप 18 घंटे ना शूट करें. अगर एक्टर लेट आ रहा हो, जो बहुत होता है हमारी इंडस्ट्री में, अनफॉर्चुनेटली टाइम की वैल्यू ख़त्म हो गई है, उनको पीनलाइज करें. और अगर वो टाइम पे आ रहे हैं तो आप प्रोडक्शन डिले ना करो, आप भी टाइम पे शुरू करो. सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी नोटेड एंड फॉलोड, अदरवाइज वाकई हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे. बिकॉज आपने बहुत रेंज ऑफ एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, आमना शेख, सनम सईद, अदील, उससे पहले भी, और अब यू वर्किंग विद बिलाल एंड मदीहा. क्या फ़र्क महसूस होता है आपको वो 10 साल पहले जो अपने टॉप पे थे और अब जो हैं उन सब, क्या कोई फ़र्क महसूस होता है आपको वो ग्रुप ऑफ एक्टर्स, और कोई ट्रांजिशन हुआ है, क्या हुआ है हमारे यहाँ, क्या चेंज आया? नॉट विद बिलाल एंड मदीहा और एनी वन, मतलब जो मैं वो नहीं, किसी को नेम नहीं करूँगी, बट डेफिनेटली चेंज है. And what's the change? Instagram and obsession with the public image. Public image. बहुत ज़्यादा. I think लोग spoil हो गए, ये छोटे बच्चे भी काफ़ी हद तक. एक humility और respect थोड़ी सी कम हो गई है.
वहाँ पे मुझे याद है कि जो जो मैंने प्लेज जैसे किए हुए उसमें कुछ नहीं था अगर एक्टर को चाय बना ले अपनी, या जैसे मैंने न्यूयॉर्क में किए थे, अभी मैं सरवत से ही कह रही थी कि वो अपने कपड़े सूटकेस में रोल करती थी, सबवे में जाती थी खुद लेके, कोई उस तरह का नहीं कि मुझे अलग कमरे चाहिए या मुझे एक अलग ये चाहिए, मुझे इस तरह का खाना चाहिए, एब्सोल्युटली कुछ नहीं था उस तरह का. आजकल आई फील लोग ना स्पॉयल हो गए बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी एंड कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने जो नखरे उठाना शुरू कर दिए. एंड इट्स नॉट कि आप लोगों को बैडली ट्रीट करो, बट आप फेयरली ट्रीट करो. सो दैट्स व्हाट आई फील. आई थिंक द यंग पीपल नीड टू वर्क हार्ड अ लिटिल मोर और अपना एटीट्यूड थोड़ा बेहतर कर लें. मे बी ऑडिशंस विल आल्सो हेल्प इन दैट. आई थिंक सो. ऑडिशंस शुड बी ताकि नए फेसेस आएं और टैलेंट शुड सक्सीड. Thank you so much, Maheen, for answering all our questions in so much detail. And we are very excited about a Jhooti Love Story. मैं तो अभी भी कह रही हूँ हम ये इंटरव्यू आई डोंट नो कब चलाएंगे, बट अभी 20 दिन हैं आने में और मुझसे वेट नहीं हो रहा है कि मैं जल्दी से आई स्टार्ट वॉचिंग इट. कोई जाने से लास्ट आप मैसेज फैंस को देना चाहेंगी अपने अबाउट दैट और इन जनरल? मैसेज ये है कि प्लीज़ वो ऐप को सब्सक्राइब करें, पायरेसी को रोकें, मुफ्त में ना देखें चीज़ें, नॉट जस्ट Z5 और एनीथिंग, हमारे अपना कंटेंट भी प्लीज़ पे करके देखें जहाँ पॉसिबल हो. इसी आप ये करोगे तो हमारे प्लेटफॉर्म्स आगे जाएंगे, अदरवाइज प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में अगर हम लोग पायरेसी करते रहे. दैट इज़ माई मैसेज. थैंक यू सो मच.